Good morning, teachers. Good morning. Good morning, everybody. आपको सुबह हुआ है, सवेरे का नाश्ता हुआ है. नाश्ता करके हम स्कूल जा रहा था, पर हम स्कूल नहीं, वीडियो क्लास देखेंगे, होमवर्क बनाएंगे. ओके, कल हम फेस क्लास में पुनरावर्तन किया गया था वर्णमाला, वर्णकली और द्विपाक्षर और गिनती. ये सब आपको होमवर्क किया है, एक बार पढ़ के है और हम मुझे भी भेज दिया है. लेकिन अब हम क्या करेंगे, कुछ सोच आता है कि नहीं आपको? मैं भी आपको एक बताऊंगी क्या, कैसे आपको ये वर्ड्स बताए या नहीं आपको अब मालूम हो जाएगा, है ना? आपको आपकी माँ पापा क्या क्या करके बुलाएंगे, लाडली बेटी, लाडली बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा नन्ना, मेरा छोटा सा हम कुंवरा, ये सब आपको बनाएंगे. लेकिन हम सबको एक एक वर्ड रहता है, माँ पापा ऐसा रहता है ना, ऐसे ही एनिमल्स वर्ड्स में भी रहता है. अब हमें हमारे छोटे छोटे रहने अपने बच्चों को आपको मेरा बेटा, मेरे बच्चे, है ना? चिल्ड्रंस को हम क्या कहेंगे, माँ बाबा, मेरे बच्चे, मेरे चिल्ड्रंस, मेरे राडा, जैसे बोलेंगे, है ना? ऐसे ही एनिमल्स वर्ड्स में भी उनका परिवार का एक छोटे छोटे रहने अपने बच्चों को एक एक पर्टिकुलर वर्ड से बोलेंगे. हम बोलेंगे ये हमारे बच्चे, हमारे चिल्ड्रंस को बोलेंगे. ऐसे ही एनिमल्स और बर्ड्स में क्या क्या है, पशु पक्षी और उनके बच्चे, उनको क्या क्या हम बोलेंगे, बच्चों को क्या एक पर्टिकुलर नेम रहता है, आपको मैं बताऊंगी. अब देखो मैं पढ़ती हूँ, आपको सुनो. 31 पेज नंबर, पशु और पक्षी, पशु पक्षी और उनके बच्चे. देखो वो एनिमल्स एंड देयर बर्ड्स, एनिमल्स को और बर्ड्स को भी एक छोटे छोटे बच्चे रहते हैं. वो बच्चे को क्या कर कर बोलेंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड्स होता है, वो आपको आज मैं सुनाने जा रही हूँ. सुनो, मैं बेड हूँ, यहाँ मेरा मेमा मेमना है. देखो मैं बेड हूँ, यहाँ मेरा मेमना है. देखो ये यहाँ ये क्या है, क्या आपको पता है क्या? हाँ, मेमना क्या, शिप को आपको पता है, शिप पता है, माँ पेरेंट्स बोलते हैं मैं बेड हूँ, आई एम शिप, आई एम ए शिप, ये बोलेगा. इसके बच्चों को क्या बोलेगा, ऐसा ये बच्चे को एक पर्टिकुलर नेम रहता है, बच्चे कहने के लिए शिप ऐसा. नेक्स्ट मैं बिल्ली हूँ, यहाँ मेरा बिलौटा है, मैं बिल्ली हूँ, यहाँ मेरा बिलौटा है. ऐसी गाय, मैं गाय हूँ, यहाँ मेरा बछड़ा है, मैं यहाँ मेरा बछड़ा है, मैं गाय हूँ, मेरा बछड़ा है. मुर्गी हूँ, यहाँ मेरा चूजा है, मैं मुर्गी हूँ, यहाँ मेरा चूजा है. मैं शेरनी हूँ, मैं शेरनी हूँ, यहाँ मेरा शावक है, मैं शेरनी हूँ, यहाँ मेरा शावक है. ये मीनिंग क्या है, देखो मैं भेड़ हूँ, यहाँ मेरा मेमना है, नानो खुरी, नन्ना मगो मेमना, नन्ना मरीगो. इन इंग्लिश में यहाँ आई एम शीप, नानो शीप, दिस इज माय लैम, लैम को क्या बोलेंगे, ये शीप के बच्चे को लैम मेमना लैम कहेंगे. आपको याद रहेगा हम लोग वो बच्चे कहते हैं, नन्ना मकड़ो
मरी कि मेरा बिना उठा आई एम ए कैट आई एम ए कैट ना बेको दिस इज माय किटन दिस इज माय किटन किटन मींस मरी नन्ना बेकी ना मरी किटन क्या कहेंगे देखो किटन बिना उठा आपको याद रखना मुझे मैं गाय हूँ गाय को मैं गाय नानो हसु मेरा मेरा बछड़ा है नन्ना मरी नन्ना करो नोड़ी हिंदी बछड़ा कन्नड़ी ना करो हे पर्टिक्युलर करो ऐसा करो ऐ आम ए कौ ऐ आम ए कौ नानो हसु दिस इज माय कॉफ दिस इज माय कॉफ करो नन्ना मगु एस मुर्गी मैं मुर्गी हूँ नानो कोड़ी कुंचाल कोड़ी नानो कोड़ी मैं मुर्गी हूँ यहाँ मेरा चूजा है इधो बेकिन कोड़ी पिल्ले पिल्ले देखो यहाँ मेरा चूजा है पिल्ले नन्ना पिल्ले कोड़ी के कोड़ी मेरी के पिल्ले ना करते हैं नेक्स्ट आई एम ए क्या हेन नानो कोड़ी दिस इज माय चीक दिस इज माय चीक बेकिन मेरी पक्षी वाला मरी बड़ी के लिए चीक अंदर करते हैं और वो बच्ची मेरी ना कागे मेरी गोगी ना मेरी ऐसा है ना चीक करते हैं क्या करते हैं इंग्लिश में चीक दिस इज माय चीक नेक्स्ट आई एम ए शेर माय शेर नानो शेर अंदर सिमिनी नानो सिमिनी ना मेरा शावक क्या है के शावक नन्ना ये दो सिंह मरे शावक शावक क्या कहते शावक आई एम ए लायन सी में शेर में हूँ दिस इज माय कब शेरनी का छोटे से नन्हे से निकला बच्चे को क्या बनेंगे कब को सिंह मरे मरी आपको याद होगा बच्चे देखो ये एनिमल्स और बर्ड्स में भी अपना ही एक बच्चे को एक पर्टिकुलर वर्ड्स रहता है बच्चे कहने के लिए देखो मैना क्या हो मैना है एक शीप के छोटे बच्चे को मैना क्या बोलेंगे लैम लैम कितन को बिना उठा बिल्ली के बच्चे को बिना उठा कहेंगे कॉफ बच्चा गाय के खौ के बच्चे को बच्चा हाँ चिक चो चिक चूजा चूजा एक बर्ड्स के मुर्गी के सब के बच्चों के छोटे बच्चों को चूजा कहेंगे ऐसे कब शा ये शेर के छोटे बच्चे को शावक कहेंगे चिन्ना सा को याद होगा हर एक एनिमल्स बर्ड्स का अपना ही बच्चे को बच्चे कहने के लिए एक एक वर्ड्स होता है ये आपको मालूम समझ कर मैं आगे हर एक बच्चे को हर एक 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 एनिमल्स को एक बर्ड्स को अपना ही बच्चे को कहने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड्स होता है चिल्ड्रन मकड़े नाव ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಮಗು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಮೆನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ಬಿಲೋಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಸುವಿನ ಕರುವಿಗೆ ಬಚ್ಚಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಳಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚೂಜಾ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೇನೆ ಶೇರಿ ಸಿಂಹಿ ಮಗುಗೆ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗೆ ಶಾಪ ಕಬ್ಬತ್ತಿನ ಕರೀತಾರೆ ಎ ಆಪಿ ಅವರು ಜ್ಯಾದಾ ಪಟ್ಟಿ ಬನಾನ ಚಾಹಿಯೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅರ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಈ ಏಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾ ಹೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಉಸ್ಕಾ ಆವಾಜ್ ಕೈಸೆ आवाज आता है उसका आवाज कैसे साउंड्स कैसे
कैसे होता है, किन किन विध में है, ये आपको बता।